कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 2, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको जो ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है इनकी आपको तुलना करनी है और तुलना कर आपको ये बताना है कि इनके द्वारा जो रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, समपाती होगी या फिर समांतर होगी। तो बच्चों जब इस प्रश्नावली का हमने बेसिक पढ़ा था तो मैंने इनके बारे में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया था। तो अगर आपने बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास आप जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम तुलना करेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की। तो हमारे पास तीन स्थितियाँ आएगी, रेखाएं प्रतिच्छेद हो सकती हैं, समांतर हो सकती है अथवा समपाती हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आपको दो समीकरण दे रखे हैं, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है ना। तो बच्चों पहले समीकरण में देखो ये होता है A1, ये होता है B1 और ये होता है C1, और दूसरे समीकरण में ये A2, ये है B2 और ये क्या है C2 है, ठीक है ना। अब देखो इनकी तुलना करते हैं हम। देखो A1 बटा A2, अब बताओ A1 कितना 5 बटा A2 कितना 7। अब देखो ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे तो ये ही रहने देंगे हम। अब दूसरा B1 बटा B2, बताओ B1 कितना माइनस का 4 बटा, ये देखो B1 है माइनस का 4 और B2 कितना है, B2 है प्लस का 6। अब ये दोनों कटेंगे 2 से, देखो 2 का भाग इसमें 2 बार जाएगा और 2 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। तो देखो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है ना। ये 5/7 है और ये माइनस का 2/3 है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और अगर बच्चों ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या आ जाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कब, जब ये दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो सिंपल ये देखना था, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर दूसरे में ये A1 है, ये B1 है और यहाँ C1 है, यहाँ पर ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम तुलना करते हैं। पहले देखो A1 बटा A2 में, तो बताओ A1 कितना 9, A2 कितना 18। तो देखो दोनों में भाग जा रहा है 9 का, 9 का भाग इसमें 1 बार, 9 का भाग इसमें 2 बार, ठीक है। अब दूसरी करते हैं B1 बटा B2 में, B1 कितना 3 बटा B2 कितना 6, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 × 3 = 6। तो देखो ये दोनों बराबर आ गए, है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, दोनों 1/2 / 1/2 बराबर है ना। तो C1 और C2 भी ज्ञात करो, अगर बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बराबर है तो देखो C1 बटा C2, C1 कितना 12 बटा C2 कितना 24, देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, सॉरी 12 का, दोनों में 12 का, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2 आ गया, मतलब तीनों बराबर है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, अगर तीनों बराबर हो तो आपके जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं संपाती। रेखाएं कैसी होती है, संपाती, मतलब यहाँ जो रेखा बनेगी वो ऐसे बनेगी, अने एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और संपाती का मतलब एक लाइन बनाए दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर बनेगी। जब समीकरण ऐसे आए तीनों बराबर हो तो क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो बताओ रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी संपाती, रेखाएं कैसी होगी बच्चों, संपाती। आगे बात समझ में, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी, अगर ये तीनों ही बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो तीसरा भी देखते हैं, यहाँ भी ये A1 ये A2 सॉरी
ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2, ठीक है। अब देखो मान लिखो A1 बटा A2 में तुलना करेंगे, A1 है 6, A2 है 2, ठीक है, तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार। अब यहाँ फिर B1 बटा B2, B1 है माइनस का 3 बटा, अब देखो B2 यहाँ y के गुणा में कुछ भी नहीं है ना, तो 1 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 1 का भाग 3 में देंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देखो ये दोनों बराबर है ना, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 अगर बराबर है तो आपको C1 और C2 भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निकालेंगे C1 बटा C2, C1 है 10 और C2 कितना है 9, इन दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो देखो अगर ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो आपके जो रेखाएं होगी वो समांतर बनेगी। कैसे समांतर, मतलब एक लाइन ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो देखो कंडीशन क्या आई, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, ये दोनों तो बराबर है और ये वाला बराबर है नहीं है, तो बताओ रेखाएं कैसी बनती है, रेखाएं बनती है आपके समांतर। आगे बात समझ में, तो ये तीन कंडीशन है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं समपाती, दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी बनती है, समांतर बनती है। बस इन सवालों में आपको ये बताना था। आगे बात समझ में, और एक चीज और बता दूं, जैसे आगे अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि ये जो ऐसे कि संगत है असंगत है, तो बच्चों अगर कंडीशन ये आती है तो इसका जो हल आएगा वो होगा संगत हल। कैसा होगा, संगत हल होगा, ठीक है। अभी सवाल में करेंगे हम तुलना करेंगे और उनमें बताना होगा कि संगत है या असंगत है। तो अगर कंडीशन ये आती है तो क्या कौन सा हल होता है, संगत हल। अगर कंडीशन ये आती है तब भी उसका हल होता है संगत। कैसा होता है, संगत। और कंडीशन ये आती है तो उसका हल होता है आपके असंगत, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई उत्तर नहीं आता, इसमें एक उत्तर आता है और इसमें क्या आते हैं, अनेक उत्तर आते हैं। चलो अभी दूसरे, अब ये दोनों याद रखना, इन दोनों में होगा। सवाल नंबर 3, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो जिस अभी जो सवाल किया था हमने, सेम उसी तरह से करना है, बस इसमें संगत और असंगत बताना है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि दो कंडीशन में तो संगत होता है और एक कंडीशन में क्या होता है, असंगत होता है। तो चलिए करते हैं तुलना, इसमें 5 क्वेश्चन है, हम 5 को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहला ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो तुलना करते हैं A1 बटा A2, A1 कितना बेटा 3 बटा A2 कितना 2, दोनों में किसी का भाग नहीं जाता तो ये रह जाएगा। अब यहाँ B1 बटा B2, B1 कितना 2 बटा B2 कितना माइनस का 3, यही है क्या, ये दोनों बराबर है क्या, A1 बटा A2, B1 बटा B2, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और कंडीशन ये आती है तो आपका जो हल होगा वो होगा संगत। कैसा होगा, संगत, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं, यहाँ भी A1 बटा A2, A1 है 2, A2 है 4, भाग जा रहा है 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया। अब फिर लेंगे A1 बटा क्या नाम, B1 बटा B2, B1 बटा B2, बताओ B1 कितना माइनस का 3, B2 कितना माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग यहाँ पर जा रहा है 1 बार, 3 का भाग यहाँ पर जा रहा है 2 बार। तो ये दोनों बराबर हैं, बराबर है तो आपको C1 और C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर बराबर नहीं है तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आएगा C1 बटा C2, C1 कितना 8 बटा C2 कितना 9, ठीक है ना। आप चाहो तो इनका इधर पक्षांतरण कर सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो। क्या इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो ऐसे रहेंगे ये, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या बनी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। अगर कंडीशन ये वाली बनी तो इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत हल होगा, ठीक है। कैसा हल होगा, असंगत।
कंडीशन ये आए तो संगत और ये वाली बनी, दो तो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो हल कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, अब देखो तीसरा, यहाँ भी पहले तुलना करते हैं, ए वन बटा ए टू, ए वन कितना है 3/2 और फिर बटे में ए टू कितना है 9, ये तो ए वन, ये बी वन, ये सी वन, ये ए टू, ये बी टू, ये सी टू, ठीक है ना। अब देखो ए वन बटा ए टू, ए वन तो ये 3/2 और ए टू कितना है 9। अब देखो हम भाग तो कर ही नहीं सकते, तो मान लो इसको भी हम भिन्न में बना लेते हैं, ये तो पहले से भिन्न में था, इसको भी हमने किस में बना लिया, भिन्न में, बटे में एक लगा दो। अब जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो हम गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपके 3/2 गुणा ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 बार, ऊपर 1 रहेगा, 3 × 6 तो कितना आ गया 1/6 आ गया। अब देखो यहाँ b1 बटा b2 कितना है 5/3 और b2 कितना है -10। ठीक है, दोनों में भाग जा रहा है, मतलब मान लो इसके बटे में भी एक लगा दो। अब उल्टा करो, 5/3 इंटू हो गया 1/-10, 5 का भाग 10 में 2 बार, ऊपर 1, 3 × 6 और किसका आएगा माइनस का, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर है क्या, नहीं है, ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो दोनों बराबर नहीं है, तो आपको C1 और C2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखोगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो हल कैसा है, हल हो जाएगा आपके संगत, हल कैसा हो जाएगा संगत। आगे बात समझ में, पहले उतारो इनको, फिर करते हैं एक और। देखो इसका सवाल नंबर 4, यहाँ भी आपको तुलना करके ही बताना है कि संगत है या असंगत है। तुलना करते हैं तो देखो सबसे पहले A1/A2, A1 है 5, A2 है -10, ठीक है ना। अब बात जा रहा है 5 का, 5 × 5, 5 × 10 तो -1/2। अब तुलना करेंगे B1/B2, B1 है -3, B2 है 6, भाग जा रहा है 3 × 3 और 3 × 6 और किसका है माइनस का, तो दोनों बराबर है, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, तो अगर दोनों बराबर हो तो C1 और C2 भी ज्ञात करो। C1 है 11, C2 है -22, ठीक है, 11 का भाग जा रहा है 11 × 11, 11 × 22 ये भी माइनस का, ठीक है, तो तीनों -1/2 मतलब तीनों बराबर हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हो तो जो हल होगा वो होगा आपके संगत हल, ये कैसा हल होगा संगत, तो ये भी आपके संगत है। अब देखो लास्ट, तो यहाँ भी A1/A2 तो A1 है 4/3 और बटा A2 है 2, तो 2 के बटे में 1 लगा के उल्टा कर लेंगे तो 4/3 × 1/2, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे, 2 से ये कटेगा 2 बार तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब B1/B2, B1 है 2 और नीचे है 3, तो भाग नहीं जा रहा है, तो देखो दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, तो C1 C2 भी ज्ञात करो, C1/C2, C1 है 8, C2 है 12, तो 8 का 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार, ठीक है, तीनों बराबर है ना, तो क्यों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हो तो भी हल कैसा है भाई संगत, कैसा है संगत, ठीक है। तो यही बताने थे बस आपको इन सवालों में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, थैंक यू।